तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। जब भी हम प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, जैसे आप अगर कॉलेज के अपने सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं और मन में ये है कि ठीक है आईएएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने मन के अंदर रखना चाहिए। ये जो भी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि जब आप एक दो साल की प्रिपरेशन आप कर लें के बाद शायद आपको ये बातें रियलाइज हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी जो भी आस्पेक्ट हैं उसको हम ध्यान से शुरुआत से ही ध्यान रखें, तो जो हमारा आउटकम है, पढ़ाई का जो आउटकम है, जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को जो क्रैक करना चाहते हैं, उसको हम ज़रूर से कर सकें। तो पहली जो चीज़ हमें अपने प्रिपरेशन में ध्यान में रखनी है, या इवन आप ये कहो कि इवन आप सोच भी रहे हो कि चलो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, वो ये है कि आप अपनी जो शुरुआत करें वो सिर्फ ये शुरुआत ना हो कि आप एक बड़ी कोई किताब उठा ली और उस दिन से आपने माना कि मैं जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर न्यूज़पेपर से जरूर से को ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। 8-10 न्यूज़पेपर नहीं, एक न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको ज़रूर से करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इशू, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ हैं, उन इशूज़ पर आपकी जो जानकारी है वो इंक्रीज़ हो। आपको ये समझ में आए कि ठीक है मेरी जो लाइफ है, इसके अराउंड जो मेरी थिंकिंग है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिस पर चीज़ें हो रही हैं। तो न्यूज़पेपर जैसे अगर आप सपोज करो कि आज आप तैयारी स्टार्ट करें और आज का पेपर आपने खोल के देखा, उसमें आप एडिटोरियल पे जा रहे हो, आप एक्सप्लेनर सीरीज में जा रहे हो, संडे का पेपर देखा साइंस टेक में जा रहे हो, तो आपका दिमाग देखेगा कि अच्छा अलग अलग ये पॉलिटिक्स के टॉपिक्स, इकोनॉमी के एस्पेक्ट हैं, साइंस के एस्पेक्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उस पर आपका माइंड जो है एक तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे डिफरेंट इश्यूज़ भारत में चलते हैं। ये चीज़ सिर्फ आप मैगजीन के माध्यम से नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि अपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान हम न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान भी अगर देंगे तो फिर वो बहुत एंड में जाके ध्यान में देते। तो अगर आप इसको शुरुआत से करना स्टार्ट करें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी चाहिए, किस तरीके से न्यूज़पेपर को अप्रोच करना चाहिए, उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो पर डिस्कशन कर सकते हैं। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, खासतौर से आज के समय में जब डायनेमिज्म इतना हाई है, जहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया से प्रश्न इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न इतने अधिक आ रहे हैं, तो उस पर न्यूज़पेपर को ज़रूर से इंक्लूड करें। एक चीज़ और भी है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे आपकी जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ ऑन AIR का, तो उसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, उसको एक बार आप देख लें, सुनेंगे जब आप चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज़ होगी, तो फिर धीरे धीरे आप अलग अलग इश्यूज़ को समझने स्टार्ट कर दें। और ये ज़रूर से ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें, वो भी ज़रूरी नहीं, पहले दिन से नोट्स बनाना नहीं है। अलग अलग चीज़ें जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर अपने आप एक समय आएगा जब आपको लगेगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा ये भी है कि जब आप पेपर पढ़ें तो ये नहीं कि आप डिक्शनरी लेकर बैठ जाएं, एक एक शब्द को देखना स्टार्ट करें, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, मैं भी द हिंदू सेशन लेता हूं इस चैनल के अंदर, आप उसको गो थ्रू हो, उस दिन में कुछ सीखें कि ठीक है ऐसे प्रिपरेशन होती है, ऐसे टॉपिक्स को देखा जाता है, ऐसे इन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप ही सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, एक कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो फिर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखनी। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है सिलेबस। सिलेबस अगर आप खुद से सोचो कि अगर आपने डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो क्या आप पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू होते हैं? क्या आपको पता है कि GS पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या बातें पढ़नी है, क्या आपको GS पेपर 2 के अंदर क्या क्या पढ़नी है, क्या स्पेसिफिक आस्पेक्ट है, हर चीज़ के लिए क्या सोर्स है, GS 3 में, GS 4 में ऑप्शनल ऐसे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि आपका अलग अलग सिलेबस का हिस्सा है, उस सिलेबस के अलग अलग हिस्से को जब आप स्टडी करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि ठीक है मैं आज ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो ये सिलेबस इस हिस्से से पूछा गया। जब आप प्रश्न देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक इस सिलेबस के इस हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इंटरलिंकेज है सिलेबस कंटेंट का, ये चीज़ आपकी पढ़ाई को डायरेक्शनलेस होने से बचाती है। ये मन के अंदर आपको ज़रूर से रखना चाहिए कि सिलेबस के हर एक आस्पेक्ट आपको मन में एकदम से याद हो। अब इसकी शुरुआत आप कैसे करें? आप अपने जहाँ भी पढ़ते हैं तो टेबल पे लगा लें सिलेबस को, या वॉल पे चिपका लें। ये है, जब आप रूम के अंदर पढ़ाई के लिए अपना एंटर करते हैं तो सिलेबस को एक बार रीड करें। ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसमें ये आपको देखना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो चीज़ सिलेबस में लिंक्ड है, क्या वो चीज़ सिलेबस से रिलेटेड है। अगर सिलेबस से रिलेटेड है तो पढ़ना है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो नहीं पढ़ना है।
और जब आप सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस पर ध्यान देखना है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो अलग अलग चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि अच्छा प्रश्न किस प्रकार से वहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2018 के बाद से किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, 13 के बाद से और 18 के बीच में किस प्रकार के चेंजेस हुए, 18 से 22 के बीच में किस प्रकार के चेंजेस हुए, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज पे कैसे फोकस कर रहे हैं, तो ये सब बातें तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप ये जानोगे कि हाँ अब जो है ये सिलेबस का हिस्सा है, इस एरिया से फोकस हो रहा है और उसके लिए सिलेबस का एकदम आपको रटा होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि किस सिलेबस को आप हिस्सा को कवर कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट तभी कर पाओगे जब आप सिलेबस को अच्छे से देखते हो और करते हो। तीसरा जब है कि जब आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हो, अब जैसे मान लो आपकी आंसर राइटिंग, तो कई वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें कहा जाएगा कि पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, दो हफ्ते महीने में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखो आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आपको शुरुआत करने की कोई विचार अपना व्यक्त करना सीखना है। अगर किसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं तो आप आंसर कैसे लिख सकते, तो आप धीरे धीरे शुरुआत करें। जब आप प्रिपरेशन आप थोड़ा सा शुरुआत करें, मान लीजिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल के बारे में अपना व्यू पॉइंट रखना, डायरी में थोड़ा लिखना शुरुआत करें कि आपके आप देखो कि आपके लैंग्वेज में कंटिन्यूटी है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब आप किसी से सजेशन भी ले सकते हो, बट इसको डिले नहीं कर। एक जो लैंग्वेज मेच्योरिटी है वो लिखते लिखते आएगी। तो आंसर राइटिंग उन एरियाज पे आप जरूर से करें जिन जिन एरियाज को आप पढ़ते जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इशूज़ में कई इशूज़ पर आप सेशन देखते हैं, कई चीज़ें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर भी खुद से लिखने का प्रयास करें। उसमें चाहे तो खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने का प्रयास करके लिखें। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसको हम हमेशा से इग्नोर करते हैं। तो ये तीन मिस्टेक्स हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें, यूज़ द कोड SPLIV, कोड का इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे करंट अफेयर कोर्स के लिए अनअकैडमी में। इसके अलावा जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के सभी कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब आपको अलग से नहीं जुड़ना है। आप जब जुड़ते हैं अनअकैडमी से तो सारे एजुकेटर के, टॉप एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर पाते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हैं, इसी तरीके से जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं साल डेढ़ दो साल का, तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।